हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम जनरल टीचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। तो पहले पार्ट में हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसमें ऐसी चीज़ें जैसे कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर, उसे हमने कवर नहीं किया है। जिन चीज़ों की हमने वीडियो नहीं बनाई है उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले हम पार्ट्स में एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एंड यूसेज, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सारों पे वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले हम इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हम एक दिन पहले अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया करते हैं। वहाँ से आप पहले प्रैक्टिस करो, अगर आंसर नहीं आते हैं तो फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे वीडियो के थ्रू। क्वेश्चन नंबर वन है, इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट। तो इंडियन आर्मी स्कूल जो है आर्टिलरी, वो कहाँ पर लोकेट है? तो आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन डी जो करेक्ट है, दियोलाली में लोकेट है। दियोलाली नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री कहाँ पर है, बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर आपका टू है, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज। तो पहले फील्ड मार्शल कौन थे इंडिया के? करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, SHFJ मनिक्षा। तो पूरा नाम इनका है सैम मनिक्षा, पहले फील्ड मार्शल रहे हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एडमायरल गोरखशाव, द सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर इंपोर्टेड बाय इंडिया इज नाउ नेम्ड एज। तो इसका जो बाद में नेम चेंज कर दिया गया है, तो उस नेम का क्या नाम रखा है वो पूछा गया है। INS विक्रम आदित्य एडमायरल गोरखशाव, द सोवियत एयर कैरियर इंपोर्टेड बाय इंडिया इज नाउ नेम्ड एज INS विक्रम आदित्य। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज, एक स्लोगन दिया गया है, ये पूछा गया है किस ऑर्गेनाइजेशन का है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन है? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ये स्लोगन है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच वॉज द फर्स्ट अर्थ कम कम्युनिकेशन इंडियन सैटेलाइट। तो पहली कौन सी ये सैटेलाइट थी, अर्थ कम कम्युनिकेशन इंडियन सैटेलाइट, पूछा गया है इंडियन सैटेलाइट के बारे में। तो इंसेंट वन ए है, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। तो आपको यहाँ पर ये भी बात याद रखनी है, इंसेंट वन ए को लॉन्च किया गया था अप्रैल 1982 में, बट दे कुड नॉट फुलफिल द मेन। तो लेकिन इससे हमारा जो है पूरा मकसद वो हासिल नहीं हुआ था। फिर इंसेंट आईबी को नेक्स्ट ईयर 1983 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरान। तो इनमें से कुछ नाम दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन उससे एसोसिएट है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जो टेस्ट किया गया था पोखरान में। पोखरान कहाँ पर है? राजस्थान में, थार डिजर्ट में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, राजा रामाना 1925 से 2005 तक रहे, वाज एन इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डायरेक्टिंग द रिसर्च इंटेग्रल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इट्स अर्ली स्टेजेस। तो याद, आपको नाम याद होना चाहिए, राजा रामाना इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, 1925 से 2005 तक रहे। क्वेश्चन है सेवन, वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच। इंडिया ने अपना फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल मैच कहाँ पर खेला है? करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, हेडलिंगले में इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल वन डे क्रिकेट इंटरनेशनल मैच खेला गया है। क्वेश्चन नंबर एट है, कोर्ट इज द प्लेइंग एरिया फॉर। तो कोर्ट किसके लिए प्लेइंग एरिया होता है? बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट। तो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA इज सिचुएटेड एट। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर सिचुएट है, कहाँ पर है? देहरादून में है, देहरादून, और एस्टेब्लिश कब हुई? 1932 में। तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टेन है, वट इज़ द रेंज ऑफ अग्नि फिफ्थ की रेंज क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए अग्नि फिफ्थ है क्या, इज़ इंडिया से लॉन्गेस्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल एंड वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड
fired from the Kalamth Island of the Odisha coast. So Agni 5th has a range of over 5000 km that can carry 1000 kg of warhead. So iski jo payload capacity hai 1000 kg tak hai. To aapka correct option jo hoga wo 5000 to 6000 yani ki A aapka hai wo correct option hoga. Iski jo range hai over 5000 km hai. Hope aapko ye video achhi lagi hogi. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जल्द ही आएंगे हम इसके दूसरे पार्ट लेके जिसमें हम कंप्यूटर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हिस्ट्री वर्बल एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी हम पोस्ट करेंगे. पहले आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि हम फेसबुक पेज पे अपना उसे हम पोस्ट करते हैं. तो लिंक या कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे फेसबुक पेज का. थैंक्स फॉर वॉचिंग.